नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स में दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सारंडिया परिवार के सिलसिले में। सारंडिया में अगर आपका पैसा जमा करवा रखा है तो अब सहारा इंडिया परिवार के द्वारा पैसा नहीं चुकाया जा रहा, तो इस विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सारंडिया परिवार में बहुत से परिवारों ने अपना पैसा जमा करवाया हुआ था और कुछ लोगों ने मंथली पैसा सहारा में जमा करते थे, लेकिन अचानक से सहारा कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया और लोगों के पैसे इसमें फंस गए। अब लोग सहारा के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अपने पैसे को कैसे प्राप्त करेंगे सहारा इंडिया परिवार के इन्वेस्टर्स? सहारा इंडिया में लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अब सहारा इंडिया के द्वारा एक एक करके पैसे रिफंड करने की बात चल रही है। इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि उनका पैसा मिल सके। सहारा इंडिया परिवार में और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में चल रहा है सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट में केस। सहारा इंडिया परिवार में अगर बात करें तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में 2018 के बारे में बात करें या सहारा इंडिया परिवार की बहुत सारे इन्वेस्टर्स को 138 करोड़ रुपए सेबी ने ओरिजिनल बॉन्ड धारकों को जो है पैसा रिटर्न भी किया, लेकिन अब क्या है कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको पैसा अभी तक जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्कीम्स में लगाया था उनका पैसा अभी तक मिल नहीं पा रहा है। तो सहारा इंडिया परिवार के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर ग्राउंड में जा करके मिल करके सरकार से अपील भी की कि वो उनका पैसा दिलवा सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।